पैसिफिक ओशियन में गॉम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समुद्र का वो हिस्सा आता है जहां ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्र में भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशियन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद ओशियन एक्सप्लोरर ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया जिस पर वे भारी वेट को रस्सी से बांधकर समुद्र में डालते थे और समुद्र की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी वह समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को उसी रस्सी के साथ बांधा और फिर से समुद्र में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वह रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसा उनके साथ पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला लेकिन अभी भी वह बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियां समुद्र में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समुद्र के इस हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर गहरी थी जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरी 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस डीपेस्ट पॉइंट को ही मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया है। मैरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना है कि अगर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मैरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के बाद जब रिसर्चर ने यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया था। समुद्र के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर मौजूद थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। उनमें से एक है एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 किलो तक वजनी होती है। ये समुद्र की उन गहराइयों में रहती है। एंगलर फिश के सर पर एक रॉड लगा होता है जिस पर एक नील कलर की लाइट भी लगी होती है। ये फिश अपनी मर्जी से जब चाहे इस लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपने ब्लड वेसल को एक्सपैंड कर लेती है और जब ज़्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुँचता है तो ये शाइन करने लगती है। इसी तरह इसे बंद करने के लिए फिश अपनी ब्लड वेसल को नैरो कर लेती है जिससे यह लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जब कोई दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो एक ही झटके में उसे पूरी निगल जाती है। इन्हीं गहराइयों में सी ककंबर नाम का एक सी क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम तक वजनी होता है। सी ककंबर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी जिंदगी समुद्र फर्श पर रेंग कर गुजारता है। मैरियाना ट्रेंच में मछली की एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है जिसे बायलुसेंट जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को हाल ही में 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमराज ने जब अजीब किस्म के जानवर को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। इस फिश के सिर में येलो और रेड कलर के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं। येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन का काम करता है जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैरियाना ट्रेंच में एक ऐसी भी स्पीसी पाई जाती है जिसे प्रीडेटरी टिनिकेट भी कहा जाता है। एक क्रिएचर समुद्र के गहराई में पाया जाता है और ये अपने आसपास गुजरने वाले छोटे क्रिएचर का शिकार करता है।
जब कोई क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये आज से 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन भी होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ और स्विच ऑन भी कर सकता है। समुद्र के इन्हीं गहराइयों में जॉइंट ग्रेनेड नाम की एक फिश भी पाई जाती है। कीड़ों की तरह आंखें वाली ये फिश 7 फीट तक लंबी होती है। ये क्रिएचर ज़्यादातर समुद्री फर्श के करीब पाई जाती है, जो जमीन के सरफेस पर आहिस्ता आहिस्ता तैर कर अपने शिकार को तलाश करती है। ये फिश खुद की हिफाजत के लिए एक बहुत ही बदबूदार केमिकल छोड़ती है ताकि कोई भी इनके करीब ना आ सके। ये फिश तकरीबन 70 साल तक जिंदा रह सकती है। इससे खतरनाक तो एक और क्रिएचर जो पिछले 400 मिलियन सालों से समुद्र में रह रहा है, जिसे अभयसाल घोष सार के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये घोष सार्क 3 से 4 फीट तक लंबी और 3 से 4 केजी तक वजनी होती है। इसके अलावा यहाँ वाइपर फिश नाम की भी एक फिश पाई जाती है, जिसके मुंह में तेज धार वाले खतरनाक दांत लगे होते हैं। ये फिश 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकती है और ये अभी तक का सबसे खतरनाक मछली में से एक है। मरियाना ट्रेंच में स्नेल फिश का भी डिस्कवर किया गया है। ये फिश अभी तक की सबसे डीपेस्ट पॉइंट में खोजी गई है। इस फिश को 2016 में डिस्कवर किया गया था और इस फिश को दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इस पर भारी भरकम हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर से ट्रक गुजार दिया जाए, या फिर इस पर एक लोकोमोटिव क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 इंच तक लंबी, 3 इंच मोटी और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले फिश अपने शरीर पर हर वक्त 1,70,000 तक वजन बर्दाश्त कर रही होती है और ये वजन एक बोइंग 777 के वजन से भी कहीं ज़्यादा है। ये जिस गहराई में पाई जाती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है, जो किसी भी चीज़ को लम्हों में तबाह करने की ताकत रखता है। इसीलिए इस फिश को घोस्ट फिश भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मैरियाना ट्रेंच में ऐसी कई किस्म की अजीबोगरीब क्रिएचर मौजूद है जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया है। समुद्र इतना गहरा है और खौफनाक है, राजों से भरा हुआ है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंसान ने अभी तक समुद्र में सिर्फ 5% हिस्से को ही डिस्कवर किया है और बाकी 95% अभी तक इसका अनडिस्कवर है। समुद्र की इन गहराइयों में क्या क्या रहती है ये आज तक कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।